प्रदेश की छवि, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं कि जहां एक तरफ आप महिलाओं को रोता बिलकता छोड़ते हैं जहरीली शराब से, उनके घर में उनके पति, उनके भाई, उनके बच्चों की मौत की वजह से, और दूसरी तरफ बच्चियां यहां पे रो रही हैं, बिलख रही हैं क्योंकि उनके साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है। तर निंदनीय घटना जो यहां पटना में शेल्टर होम में घटी है, ठीक मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, शासन प्रशासन की नाक के नीचे, और जिस तरीके से बच्चियां बाहर आकर खुलकर उनके साथ जो जो यातनाएं, जो जो प्रताड़नाएं जो उनके साथ हुई, उनके बारे में जिस तरीके से कह रही हैं, दुख मुझे बार बार इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द ऐसी घटना के बारे में बोलना ज़रूरी नहीं समझते। बताऊँ क्या संभव है कि भैया शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो? बच्चियां बता रही हैं कि कितने महीनों से और संभवतः कितने सालों से, ये तो वो हैं जो कि बाहर बचकर आई हैं, जो अपनी बातों को बता सकती हैं कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बिहार में आप ही के साथ सत्ता में जो लोग हैं उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे, उनकी नाक तले इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए भाई शब्द नहीं है अब उस इन चीजों की निंदा करने के लिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मेरा नाम उदित तारण है। पटना के गाय घाट के शेल्टर हाउस में जिस तरह की खबर आई, जो बच्ची बाहर आई है और जिस तरीके से वो दावा कर रही है कि वहां पर जितनी भी लड़कियां हैं, करीब 250 के आसपास संख्या है, उन सभी के साथ जबरदस्ती किया जाता है, उनका यौनाचार किया जाता है। इस मामले में 24 घंटे में जो प्रशासन है, जो विभाग है समाज कल्याण ने, उसने क्लीन चिट दे दिया। वंदना गुप्ता का नाम आ रहा है इस पर। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं ये पूरा वीडियो देखिए। चिराग पासवान भड़के हुए हैं और नीतीश कुमार से कई तरह के वो सवाल कर रहे हैं, देखिए ये वीडियो। इससे ज्यादा शर्मनाक, मतलब अभी तो मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से शेल्टर होम में घटना घटी थी, उसके जख्म अभी तक भरे भी नहीं थे कि उतनी ही या उससे ज्यादा बदतर निंदनीय घटना जो यहाँ पटना में शेल्टर होम में घटी है, ठीक मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, शासन प्रशासन की नाक के नीचे, और जिस तरीके से बच्चियां बाहर आकर खुलकर उनके साथ जो जो यातनाएं, जो जो प्रताड़नाएं जो उनके साथ हुई, उनके बारे में जिस तरीके से कह रही हैं, दुख मुझे बार बार इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द ऐसी घटना के बारे में बोलना ज़रूरी नहीं समझते। एक बार वो ज़रूरी नहीं समझते कि वो आए जाएँ, मिले इन लोगों से, और उनके ठीक नाक के नीचे इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, क्या संभव है कि भैया शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो? बच्चियाँ बता रही हैं कि कितने महीनों से और संभवतः कितने सालों से, ये तो वो हैं जो कि बाहर बचकर आई हैं, जो अपनी बातों को बता सकती हैं, पर संभवतः कितने सालों से, और बल्कि इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूँगा भैया कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बिहार में आप ही के साथ सत्ता में जो लोग हैं उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे, उनकी नाक तले इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए भाई शब्द नहीं है अब उस इन चीज़ों की निंदा करने के लिए। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि इससे मेरे प्रदेश की छवि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं कि जहां एक तरफ आप महिलाओं को रोता बिलकता छोड़ते हैं जहरीली शराब से, उनके घर में उनके पति, उनके भाई, उनके बच्चों की मौत की वजह से, और दूसरी तरफ बच्चियां यहां पे रो रही हैं, बिलख रही हैं क्योंकि उनके साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है, वो भी दिन दहाड़े आपकी जानकारी, शासन प्रशासन की जानकारी के बावजूद इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना से क्या अंजाम दिया आपने, क्या उससे सीख ली, उसके बाद क्या आपने ऐसे कदम उठाए कि शेल्टर होम में दोबारा से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए? जहरीली शराब के बाद भी मुख्यमंत्री हर एक जगह खामोश रहते, उनके गृह जिला तक में कांड हो गया, पर उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा कदम उठाना ज़रूरी नहीं समझा कि भैया उसके बाद दोबारा ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। परिणाम स्वरूप उसके बाद छपरा में इसी तरीके की घटना घटी, बक्सर में इसी तरीके की घटना घटी, और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिसका परिणाम है कि आज पटना में, शहरी इलाके में, पटना में जहां पे पूरी सरकार रहती है, वहां पे शेल्टर होम में इस तरीके की घटना घट रही है। इसीलिए हम लोग बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं, और मैं पुनः
इस घटना के बाद मैं पुनः महामहिम राज्यपाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि इससे ज़्यादा घृणित घटना और कोई नहीं हो सकती, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिहार में राष्ट्रपति शासन महामहिम राज्यपाल लागू करवाएं, उसकी सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दें। 24 घंटे में जांच हो गई है और इंचार्ज को क्लीन चिट दे दिया गया। 24 घंटे में सोचिए, 24 घंटे में अगर आप इंचार्ज को जांच करके अगर आप क्लीन चिट दे रहे हैं, तो अगर इसमें शासन का संरक्षण प्राप्त नहीं है तो और क्या है इस घटना को। जो वहाँ पर इंचार्ज है, आपने उसके अगर रहते हुए अगर इस तरीके की घटना को अंजाम मिल रहा है, तो आप बताइए ना कौन, हम लोग जिम्मेदार हैं, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी आप तय करेंगे कि नहीं करेंगे, या इस सरकार में जिम्मेदारी तय करने का रिवाज खत्म हो गया बिहार में? इसीलिए बार बार कोई भी आप घटना देख लीजिए, बिहार में कन्विक्शन रेट मात्र 7% है, ये उस घटना का उदाहरण है। बड़ी से बड़ी घटना बिहार में हो जाती है पर किसी दोषी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार जब मैं घटना का जिक्र करता हूँ, पटना एयरपोर्ट पर हम लोग मौजूद हैं, रुपेश यहीं के थे, यहीं पे काम करते थे, बताइए ना क्या हुआ? उनको दिन दहाड़े उनको गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई, कोई पकड़ा, किसी के ऊपर गिरफ्तारी हुई, कोई जेल गया, कितनी जहरीली शराब से लोग मरे, कोई आज तक जेल गया। और यहाँ पर भी मुजफ्फरपुर, ये मुझे पटना में शेल्टर होम में आप देखिएगा, इसी तरीके से एक के बाद एक क्लीन चीट दे दी जाएगी, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं, अपराधियों के मन में कोई डर भय बैठेगा नहीं। और भगवान ना करे, पर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 2 हफ्ते 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि किसी दूसरे ज़िले में इसी तरीके से शेल्टर होम की घटना सामने आ रही है। तो इसके लिए अगर मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो और कौन जिम्मेदार है भैया? अपराधियों के मन में डर कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा ही नहीं, धमकियां मिल रही हैं, संभव ही नहीं है। जब तक इस प्रदेश में मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के जो कि गृह मंत्री भी हैं, जब तक वो प्रदेश में है, अपराधियों के मन में भैया भय नहीं आ सकता। जिसका परिणाम है कि आए दिन इस तरीके की घटना को अंजाम मिलता है। क्यों? क्योंकि किसी अपराधी को पकड़ा नहीं जाता, उसे सलाखों के पीछे भेजा नहीं जाता, और गलती से अगर किसी को पकड़ भी लिया गया होता है तो महीने 2 महीने के बाद लेन देन करके उसको रिहा कर दिया जाता है। तो वंदना गुप्ता का नाम आ रहा है इस पूरे मामले में। 2018 में जिस तरीके से मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस कांड हुआ था, जिसमें कई बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए थे, उसी से मिलता जुलता पटना के गाय घाट का यह मामला है। हालांकि अब यह जाँच का विषय है, और दिल्ली से जो निर्भया कांड की वकील थी वो पटना पहुंच रही हैं इस मामले में जांच करने के लिए, और वही इसका पूरा जो केस है पटना हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे इस मामले को और इस केस को लड़ेंगे भी। लेकिन लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई से सांसद चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं, और कल उन्होंने बजाबते ट्वीट भी किया था कि वो जो लड़की बोल रही है उसमें इंसाफ मिलना चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।